दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज की नीमच मंडी की लहसुन की आवक देख लेते हैं और कांदे की लगभग हाल फिलहाल 100 कट्टे की आवक है और कल कांदे में बंद मंडी से बहुत भारी तेजी थी क्योंकि 3225 तक बिका था। और दोस्तों बात करते हैं लहसुन की आवक की, आज तो लहसुन के तीनों छपरों के मिलाकर दोनों छोटे छपरे में लगभग 3000 से 3500 बोरी और बड़े छपरे में लगभग 3000 के आसपास तो पक्की आवक है और कुछ और माल खाली हो रहा है, तो लगभग 6.5 से 7000 बोरी की आवक है लहसुन की। और आवक का प्रेशर बहुत कम दिख रहा है, कोई वाहन ऐसे दिख नहीं रहे आते हुए मंडी के अंतर्गत, तो लगभग 6.5 से 7000 है और हल्का फुल्की बढ़ सकती है आवक। आज मंदसौर मंडी चालू है, कल रात को हमने सूचना आपको दे दी थी कृषि उपज मंडी मंदसौर चालू है, आप अपनी उपज मंदसौर में विक्रय हेतु ला सकते हैं लहसुन और सभी जिन्सों को। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं अपन, कौन से छपरों में कितनी आवक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। और सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला था जो हमने आपको सबसे पहले दिया था, किसी भी न्यूज़ पोर्टल पे नहीं मिला होगा वो आपको, वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बड़ी से बड़ी मीडिया पे भी, वो जानकारी हमने ही आपको सबसे पहले दी थी कि 1-2% TDS का फैसला सरकार ने निरस्त कर दिया है और कृषि मंडियों में नकद पेमेंट मिलने लग जाएगा। तो आज से तो नहीं मिलेगा दोस्तों, उसके लिए कुछ प्रोसेसर रहेगा जिसकी हमने पूरी जानकारी उस वीडियो में दी है जो कल आपको बताया था, क्योंकि सबसे पहली खबर हमने ही आपको दी थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े से बड़े चैनल तक को आपको वो न्यूज़ देखने को नहीं मिली होगी। तो दोस्तों देख स्टार्ट करते हैं वीडियो, जय भारत। और ये देखते हैं पहले छपरे की आवक आज की नीमच मंडी की, आज मंगलवार का दिन 17 तारीख, और सीमित मात्रा में आवक है, बाहर तो कोई गेट पे जाम नहीं है, गेट पूरे खाली हैं और कोई भी वाहन प्रतीक्षारत नहीं है। आज मंदसौर मंडी चालू हो चुकी है जैसा कि हमने आपको कल रात को सूचना दी थी, जैसे ही हमें सूचना मिली, और ये पूरा छपरा देख सकते हैं आप दोस्तों पहला, और आवक इतनी ज़्यादा नहीं है, कल जैसी ही आवक बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, कल जैसी ही आवक है, या वाहन कोई भी प्रतीक्षारत नहीं है, कल तो वाहनों का प्रेशर भी था थोड़ा बहुत, आज तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो ये पूरी आवक पहले छपरे लगभग 1800 बोरी के आसपास आवक है इस छपरे की पहले छपरे में। दोस्तों दूसरे छपरे की आवक देख सकते हैं आप, ये भी छपरा भरा हुआ है ठीक ठाक, ज़्यादा तो नहीं मगर ठीक ठाक भरा हुआ है, और देख सकते हैं दोस्तों। और कल के वास्तविक बाज़ार तो बाज़ार 500 रुपये पक्के तेज थे और कुछ मालों में तो ज़्यादा भी कह सकते थे। तो ये दूसरे छपरे की आवक है, इस वाले छपरे में कम है क्योंकि इस साइड में सिर्फ क्योंकि यहाँ पानी चू रहा है। तो दोस्तों मौसम का दौर थमा है नीमच में कल से, और कल मौसम खुला था, आज भी धूप निकल चुकी है अभी से ही, अच्छा है मौसम थोड़ा खुल जाए क्योंकि भारी बरसात से काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, फसलों के साथ साथ फसल तो चौपट हुई है उसके साथ जनजीवन भी बहुत ख़राब हुआ है। तो दोस्तों ये दूसरे छपरे की आवक है, लगभग इसमें भी 1500 से बोरी के आसपास है, ज़्यादा आवक नहीं है। दोस्तों तीसरा छपरा है जो पूरा फुल भरा हुआ है, आवक के इस छपरे में अच्छी है, और कुछ वाहन 2-3 और आ रहे हैं खाली होने के लिए और खड़े भी हैं, तो ये छपरे में आवक अच्छी देखने को मिल रही है। तो पूरी आवक देख लेते हैं दोस्तों इस छपरे की, तो इस छपरे में आवक अच्छी है, लगभग 3000-3500 के आसपास, और लगभग दोनों छपरों में जो छोटे वाले हैं 1500-1800 एक के अंदर है, तो लगभग 3500 बोरी के आसपास और 3000 के आसपास, ये तो 6.5-7000 की बोरी की आवक दिख रही है हाल फिलहाल तक, 6500 से 7000 के बीच। दोस्तों ये पूरा छपरा, कुछ गैप है इसमें भी देख सकते हैं, मगर फिर भी कुछ वाहन खाली हो रहे हैं। और कांदे में कल बंद मंडी से नीमच मंडी में तो भारी तेजी थी, 3200 के स्तर पे था कांदा। तो दोस्तों ये तीसरा